अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक जो है क्रिएटिंग अमेज़न सेलर अकाउंट, विल गो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, एंड लेट्स सी। आई बिलीव इसके लिए हमें एक तो इसके दो चॉइसेस हमारे पास हैं, एक तो इंडिविजुअल सेलर और दूसरा जो है वो प्रोफेशनल सेलर। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है, जो प्रोफेशनल है वो 39.99 अ मंथ यू हैव टू पे फॉर इट, एंड प्लस अदर थिंग्स दे प्रोवाइड यू लाइक कस्टमर सर्विस एंड शिपिंग रिटर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और दूसरा ये है कि आप अगर इंडिविजुअल सेलर और उसमें आपका 99 सेंट्स पर आइटम वो चार्ज करते हैं, प्लस जो उनकी फीस वगैरह हैं वो भी चार्ज करेंगे। तो आई बिलीव इन स्टार्ट में आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इंडिविजुअल सेलर का अकाउंट अपना उनसे बना लें अमेज़न के साथ, और ये सारा कुछ विल गो स्टेप बाय स्टेप। और ये वेरी सिंपल सा इसका है, ये कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उनकी जो उनका जो एप्लीकेशन है, और मोस्टली अगर आप उसे प्रॉपरली फिल करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो भी वो रिक्वायर्ड करते हैं, पासपोर्ट वगैरह या आईडी, तो आप उसे अपलोड कर दें और इंशाल्लाह वो आपका जो अकाउंट है वो मोस्ट प्रॉबली वो आपका अप्रूव्ड हो जाता है। और अगर ना भी हो तो कुछ सामान अगर कुछ चीज़ वो चाहें तो आप उन्हें प्रोवाइड कर दें, तो यू नो यू आर अकाउंट गोना बी एक्टिव एंड इंशाल्लाह यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द amazon.com and google.com। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ amazon seller ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਜਸਟ ਫਾਲੋ ਮੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ। ਇਟ ਇਜ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨਟੋਰੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ amazon.com। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ amazon ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਕ ਮਨੀ ਵਿਦ ਅਸ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਟੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 39.99 a month ਪਲੱਸ ਸੈਲਿੰਗ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਮਾਈ ਟੇਕ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 39.99 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ। ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਵਰਲਡ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਾਈਨ ਅਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਈਮੇਲ, ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀ ਐਂਟਰ ਪਾਸਵਰਡ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਅਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੈਲਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਈਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ
योर अमेज़न अकाउंट, उस तो बाद ये आ जाएगा कि भाई बिजनेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस जोड़ा है और सारी इनफॉरमेशन जीडिया चाहिए होंगे। लेट्स से बिजनेस लोकेशन जी यूनाइटेड स्टेट इंदे तो दूसरे कंट्री भी पिक कर सकते जी, तो बिजनेस टाइप जोड़ा है उनके एंटिटी है या सोल प्रोपराइटर हो या तुसी अपना कोई थोड़ी एल एल सी कारपोरेशन वट एवर इज़ द एंटिटी वो उन्होंने फिल कर लोगे। तो उस तो बाद जनाब अगला साडा जो स्टैप होएगा वो होएगा कि असी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ा वो थोड़े ई आई एन नंबर, अगर तुम एल एल सी करते हो तो एल एल सी दे विच तुहानू अपना आई आर एस को ई एम्पलॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या ई आई एन नंबर जोड़ा वो लेना पेगा, फिर उन्होंने इतने फिल कर दोगे, या तुसी अगर इंडिविजुअली कर रहे हो तो इतने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी दे सकते हो। तो अमेरिकन मैं पता नहीं दूसरे मुल्क के लोग की करते हैं, लेकिन अमेरिका का सिस्टम चूंकि सेम डिजिट होंगे ने दोनों के 7 या आई बिलीव, वो तुसी सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दोगे। उस तो बाद आ जाता कि अपना थोड़ा बिलिंग और उस तो बाद थोड़े सारी बिलिंग बिल्डिंग और एड्रैस जोड़ा भी थोड़ा है यूएस का तुम वह देोगे, उनके हाउस नंबर आ जाता है और अपार्टमेंट वगैरह जो भी थोड़ा होएगा सिटी है टाउन है लोकैलिटी है यूएस और जिप कोड जोड़ा भी होएगा वो तुम दे दोगे। तो उस तो बाद पिन जोड़ा थ्रू थानू दे देंगे फोन नंबर वेरीफिकेशन ले सैल्फ एक्सप्लेनेटरी असी अगला अगे जाने अगे गया जी कि तुहानूं अपना सिटीजनशिप तुहाडी किहड़े मुल्क की जिहड़ी भी हैगी उह तुसीं पिक कर लोगे यूएस या अगर तुसीं किते होर दे हो तुसीं उत्थों भी उस कंट्री का पिक कर लवो, कंट्री ऑफ बर्थ का सही एरो नाल है इन्हां दे विच तुसीं इन्हां नूं डाउन एरो करके तो देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रेजिडेंशियल एड्रेस जोड़ा है वो तुम अपना और उस तो बाद मोबाइल नंबर और इस इन्होंने अगे थोड़े को दो ऑप्शन आ जाए कि मतलब आया इज अ बेनीफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस तुम हो या तुम उनके लीगल रिप्रजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। और अगे इस तो अगे आ जाएगा आई हैव एडेड ऑल द बेनीफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, थोड़े तो अप्लाई अगर कल ही हो तुम तो अप्लाई करता नहीं तुम नो कर छो। फिर उस तो अगे आ गया जनाब के तुम अपना ग्लोबली अगर करोगे तो उन्होंने 39.99 मे बी ए लेटर स्टेज जिसने अकाउंट खोलन ली मसले मेरा ख्याल है तो उन्होंने अपना यूएस चाहिए नॉर्थ अमेरिका जिंद यूएस यूएस कैनेडा और मैक्सीको आ जाता। तो उस तो बाद फिर अगर फ्यूचर दे अगर तुम फील करो तो उन्होंने ग्लोबली सैल करना शुरू कर दो और जड़िया भी मार्केट प्लेस डिफरेंट कंट्रीज पिक करना चाहते जी उन्होंने तुम पिक कर सकते हो। उस तो अगे आ गया जी बिलिंग इनफॉरमेशन जोड़ा क्रैडिट कार्ड दफॉरमेन जी भी एक्सपायर और कार्ड क्रैडिट कार्ड द होल्डरस नेम बिलिंग एड्रैस वगैरह। उस तो बाद नैक्सट जाओगे तो इतने तुम अपना स्टोर लैट से लाइक ईजी मार्ट और एनी स्टोर नेम विच एवर यू लाइक यूनाइटेड ट्रेडर्स समथिंग अपना जो भी तुम रखना चाहोगे चैक करके तुम्हें आ जाएगा सिस्टम आया अवेलेबल है भी है या किसी और ने पिक किया है ना जिप। उस तो बाद यूपीसी कोड के बारे अगर थोड़े जोड़ा डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल यूअर प्रोडक्ट्स यस, और अगर नहीं है तो तुम फिर उन्होंने को खरीदने पैणगे। आर यू द मैनुफैक्चरर और भी मतलब अमेजॉन यस नो थोड़ी जी भी हालात डिपेंड करता जो तुम है।
उस तो बाद आ गया आइडेंटिफिकेशन वेरीफिकेशन दे विच आ गया अपना ना तुसी ना दोगे डेट ऑफ बर्थ है कंट्री ऑफ बर्थ है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है और थोड़ी आई डी की जी भी कोई चीज़ें है पासपोर्ट है या मतलब आइडेंटिटी लिए डेटा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दियो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े को पासपोर्ट होएगा और तुसी पासपोर्ट ही अपलोड कर दियो इस तो बाद फिर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और एडिशनल डॉक्यूमेंट तुसी उन्होंने प्रूव करने लिए एड्रेस नूं लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुसी उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जिहड़ा ना वो उन्दे या अपना यूएस आईडी दी अगर उन्दे ते चूंकि तुहाडा एड्रेस वगैरह हुंदा ते उन्हों तुसी अपलोड कर दियो ते वह भी इत्थे कम चल सकदा ते अदरवाइज बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हैगी है या कुछ यह डॉक्यूमेंट अपलोड कर दियो ते तो अगे बिजनेस नेम एड्रैस है बिजनेस का एड्रैस जोड़ा है और बिजनेस का नेम जोड़ा भी तुम रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका कंपनी नेम एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जोड़े ने तुम दे दोगे आइडेंटिफिकेशन तो यह थोड़ा जनाब अकाउंट बन जाएगा उस तो बाद थोड़े न अगर उन्होंने कोई इशू होएगा कि अमेजॉन वाले तो थोड़े को कुछ होर रिक्वायर कर सकते हैं अगर तुम सिंपल जी एप्लीकेशन अगर इन्होंने फिल कर देंगे जे और उन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे जे अपलोड कर देंगे जे पासपोर्ट वगैरह और अगर अपनी कारपोरेशन वगैरह का या थोड़ा ई आई एन नंबर वगैरह उन्होंने दे देंगे जे तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम होंदा नहीं है लेकिन सम टाइम मतलब कई जगह पर कई मुल्क लोगों के मसले डिफरेंट ने सा इतों अमेरिकन नालों वो फिर उन्होंने उन्होंने होंगे कि कोई चीज़ा मंग भी लेंगे ने उन्होंने कोई हो फरदर डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने को रिक्वायर कर लेंगे तो लेकिन मोस्टली अमेरिका के अमेरिकन कोई मैं नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे अगर कोई चीज़ वो मंगन उन्होंने अगर वापस भेज दियो तो थोड़ा अकाउंट जोड़ा वो ऑन हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा और तुम उस तो बाद जोड़ा अपना उ फिर इनका जोड़ा तरीकाकार यही है कि पहले तुम इंडिविजुअल तो बाद फिर तुम अगर तुम बहुत ही रेडी हो तो तुम राइट अवे प्रोफेसनल सैलर जोड़ा वो बन जाओ उन्होंने 39.99 दे के अपना प्रोडक्ट अपना प्राइवेट लेबल विच इज़ द बेस्ट चॉइस आई बिलीव तो उनके तो अपना शुरू कर दियो और बाकी रिज़क अल्लाह देने वाला हुंदा इंसान तो अपनी ट्राई कर सकता ओके जी अल्लाह हाफिज़ और उम्मीद है कि तुसी तुहानू कोई ना कोई इन चों भी कोई फायदा होया होए आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो यू कैन ज्वाइन आर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस और यू कैन कम टू आर एजुकेशन सेंटर टू गेट फेस टू फेस ट्रेनिंग्स We also provide business management services and sales services जिसमें हम आपके कारोबार को आपके business को कामयाब करके देते हैं Kindly call or WhatsApp 0320004536